वर्तमान में अभी फरवरी में महीने में बजट सत्र जो 2022-23 चल रहा है, इसमें पटवारी वर्ग के लिए सरकार द्वारा क्या किया जा सकता है, जो हमारी मांगे हैं वो हम सरकार के समक्ष पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारा समझौता भी लागू हुआ है, उसको हम लागू कराना चाह रहे हैं, जो जुलाई 2021 में हुआ सरकार द्वारा, उसको अभी तक पूर्णतः लागू नहीं किया गया है। इसके अलावा जो जितने भी तहसीलें हैं हमारी, जो ऑनलाइन हो चुकी है, करीबन 70-80% हो चुकी है। तो जब ऑनलाइन होने के बाद में आप पटवारी को कोई संसाधन नहीं दे पाएंगे तो वो आम लोगों को इसका कोई औचित्य नहीं रहेगा, कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। तो हमारी मांग सरकार से कि हमें संसाधन उपलब्ध कराया जाए, इसमें ऑनलाइन गिरदावरी हो गया, म्यूटेशन हो गया, तरमीम है, सारे काम जो है आज एक LRC के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। चाहे वहाँ तहसील में 50 पटवार मंडल है या 60 पटवार मंडल है, वो एक ही LRC के ऊपर डिपेंड रहते हैं। अगर सभी पटवारी को संसाधन मिलते हैं तो पटवारी अपना काम खुद ही अपने पटवार मंडल में कर लेगा, उसको तहसील के चक्कर नहीं खाने पड़ेंगे और आम लोगों को सहूलियत भी मिलेगी। इसके अलावा पटवारी को तकनीकी पद घोषित किया जाए, जब आपने रिकॉर्ड ऑनलाइन कर दिया है, पटवारी कंप्यूटर पर काम करने लगा है, तो उसको तकनीकी घोषित किया जाए। इसके अलावा जो हमारा जो मांग थी ग्रेड पे L10, उसको लागू किया जाए। और इसके अलावा जो हमारा एक मांग है मुख्य, जो अनुसूची 5 में की वेतन कटौती को बंद करके 26 जून 2013 के कार्यकाल में जो आदेश हुए थे उसके अनुसार सातवें वेतन के लेवल बनाकर सातवें वेतन में पुनः फिक्सेशन किया जाए और लेवल 5 से 7 समाप्त करके लेवल बेसिक 25,300 एवं लेवल 8 समाप्त करके L9 किया जाए। ये हमारी 5 जो बिंदु है मुख्य रूप से, इसको लेकर आज हमने कलेक्टर साहब को ज्ञापन प्रस्तुत किया है और सरकार से उम्मीद करते हैं कि इसी बजट सत्र में हमारी सारी मांगें पूरी करेंगे। धन्यवाद। विनोद रत्नू, जिलाध्यक्ष पटवार संघ अजमेर।